hello students uh, today we are going to see something very important in accounting for partnership firm this chapter itself is one of the most important chapter because it gives you the fundamental base for the other partnership chapter so let's start with the theory first and i assume that you must be understanding the theory first and then we are going for the practical thank you so much फर्स्ट विल सी दैट वॉट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मीनिंग है डेफिनेशन है पार्टनरशिप का इन जस्ट लेमेंस लैंग्वेज इफ आई से वेन टू अर मोर पर्सन्स एंटर इंटू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप सो वट वी कैन से इन सम लेमस लैंग्वेज वी कैन से दैट वैन टू अ मोर पर्सन इंटर्स इन टू एन एग्रीमेंट यानी दो या दो से अधिक लोग जब एग्रीमेंट में आते हैं यानी कि एक साथ आते हैं किसी काम को करने के लिए इट शुड भी अ लीगल वर्क डेफिनेटली एक लीगल वर्क होना चाहिए एक काम जो होना चाहिए लीगल होना चाहिए लीगलाइज होना चाहिए टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस उसको वो रन करेंगे मीन्स उस बिजनेस को चलाएंगे और उससे जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो अपने एग्रीड शेयर में आपस में शेयर करेंगे राइट but was, let's see the what could be the possible definition given by the indian partnership act 1932 as per section 4 partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all let's understand this

अदरवाइज इफ द एग्रीमेंट इज नॉट मेड देन वट एवर इज बिन डिफाइन इन द सेक्शन फोर नाइनटीन थर्टी टू पार्टनरशिप एक्ट दैट एज टू बी फॉलोड बाई द कंसर्न पार्टनर्स उनको उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो आपका क्या है दैट इज बिन डिफाइंड इन द सेक्शन फोर पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू फाइन सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन दैट इज फर्स्ट एलिमेंट दैट इज देयर मस बिन एग्रीमेंट तो पहला एलिमेंट क्या कहता है कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स दे हैव डिसाइडेड समथिंग वेरी मच इन एडवांस देन देयर विल बी नो डिस्प्यूट अगर वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस तरह से किस तरीके से हम बिजनेस चलाएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करेंगे और उस एक्टिविटीज़ को कौन कौन करेगा सो ऑल दिस थिंग्स हाउ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड किस तरह हम प्रॉफिट शेयर करेंगे क्या हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे या अगर हम पहले से ही डिसाइड कर ले वो पार्टनर्स तो ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट विल बी वेरी लेस उससे डिस्प्यूट नहीं होगा आपस में एक कॉर्डिनेशन रहेगा एक कोलेब्रेशन रहेगा एंड डेफिनेटली देर गोइंग टू वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड सेकेंड एलिमेंट इज़ द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस सेकेंड एग्रीमेंट क्या है हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या सॉरी दट इज द एग्रीमेंट मस्ट टू बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन दिस लॉस इज बिन नॉट रिटर्न इन दिस डेफिनेशन इट इज बाई डिफॉल्ट अनुस्टूड ये देखिए बिल्कुल बाई डिफॉल्टुड है, है कि डेफिनेटली बिजनेस हमें प्रॉफिट पर्पज हमारा क्या है प्रॉफिट अर्न करना लेकिन बिजनेस में लॉस होने की संभावनाएं हैं तो संभावना है तो क्या हो गया लॉस भी हो सकता है बट इट इज नॉट बिन रिटर्न इन दैट इट इज बीन अंडरस्टुड दैट इट दे आर गोइंग टू शेयर द लॉस ऑल्सो सो इन दिस इट इज बीन डिफाइंड दे आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस राइट नाउ द थर्ड एलिमेंट इज द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई एदर बाई ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल यानी कि बिजनेस जो है या तो सब मिलके कर सकते हैं कैरिड ऑन आदर बाई ऑल पार्टनर्स ऑल पार्टनर मतलब जितने पार्टनर्स हैं वो सब मिलजुल के अपने एक्टिविटीज़ को आपस में डिवाइड कर सकते हैं और कर सकते हैं या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स जो है उसमें काम कर रहे हैं बाकी उसके जो है स्लीपिंग पार्टनर्स हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में कि वो आर द स्लीपिंग पार्टनर्स दोज वो पार्टनर्स वो इन्वेस्ट इन द बिजनेस जो बिजनेस में इन्वेस्ट तो करते हैं बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनका जो उनका राइट्स वही रहता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है बट पार्टिसिपेशन उनका जो है एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ एक्टिव पार्टनर्स का उसमें होता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वट आर दार्ट वट यू मीन बाय द पार्टनर्स पर्सन पार्टनरशिप विद वन अनदर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स पार्टनर्स हम कैसे कहते हैं पर्सन जो लोग उसमें पार्टनरशिप में एक साथ मिलकर आए हैं किसी काम करने के लिए उनको इंडिविजुअली हम क्या कहेंगे वी कॉल पार्टनर्स राइट नेक्स्ट टर्म इज फर्म फर्म पर्सन्स है हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन एंड आर कॉल कलेक्टिवलीट इज फर्म हम जब बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं उनको हम कलेक्टिव कर लें मीन्स का ग्रुप की बात जब करेंगे तो ग्रुप में जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे वी कॉल देम एज फर्म दे विल बी कॉल्ड एज फर्म राइट फर्म नेम क्या है इसमें द नेम अंडर विच बिजनेस ऑफ अ पार्टनर इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम किस बिजनेस का भी एक नाम होगा इज एज इन अकाउंट्स इज बिन टोल्ड टू यू दैट द एंटिटी ऑफ द बिजनेस

दिस एग्रीमेंट में बी ओरल रिटर्न और एम्प्लाइड द एग्रीमेंट इज मेड टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस देखिए एग्रीमेंट एक रिटर्न एग्रीमेंट अगर होता है वैसे तो यह वर्बल भी हो सकता है इट कैन बी ऑन ओवरल ऑल्सो आई एल से वर्बल मीन्स ओरल ओरल का मतलब है कि आपस में उन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम बिजनेस कर रहे हैं लेट स्टार्ट द बिजनेस फाइन लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो यह बेटर फॉर्म है फॉर डूइंग अ बिजनेस फॉर अ लॉगर टेन्योर बिकॉज डिस्प्यूट जब आते हैं तो हम लीगल चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था तो जब एक स्पैन ऑफ टाइम लंबा समय निकल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या आपस में बात की थी किस म्यूचुअल बात पे हमने प्रॉमिस किया था या क्या हमने डिसाइड किया था उस समय तो वो चीज़ कन्फ्यूज ना करे किसी पार्टनर को उससे rise ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं पहले से क्या करते हैं वी डिसाइड इन रिटर्न फॉर्म एंड वी मेक एन एग्रीमेंट जिसको हम बाद में आपने जैसे रेफर भी किया है इसको वी कॉल इट एज पार्टनरशिप डीड इसको आप पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं लॉफुल बिजनेस डेफिनेटली इट शुड बी लॉफुल बिजनेस एज आई टोल्ड यू यू कैन नॉट गो फॉर अनलॉफुल बिजनेस हम बिजनेस कर रहे पार्टनरशिप इसलिए नहीं कि हम कोई स्मगलिंग करना है कोई हमें बैंक रॉबरी करनी है या किडनेपिंग करनी है दैट कनॉट बी ए फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप वी आर टॉकिंग समथिंग अ कॉल्ड लॉफुल बिजनेस लॉफुल बिजनेस का मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी लीगल जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं वो बिजनेस प्योरली एंड प्योरली शुड बी लॉफुल इट शुड बी लीगल इीगल बिजनेस हम नहीं कर रहे पार्टनरशिप इज नॉट फॉर्म टू डू द इलीगल बिजनेस इट इज बिन फॉर्म टू डू द लीगल काइंड ऑफ बिजनेस नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट अमाउ ऑल पार्टनर्स एंड एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एसेंशियल सी इट इज नॉट टू बी डिफाइंड इट इज नॉट टू बी डिफाइंड ये बाई डिफॉल्ट है यह अनस्टूड है कि अगर बिजनेस में अगर लॉस होगा तो उसको भी शेयर किया जाएगा उसी प्रपोर्शन में लेकिन आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या है बिजनेस का दो द काइंड ऑफ इनिशिएटिव इज बिन टेकन फॉर द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट द फर्स्ट प्राइमरी विजन इज टू अर्न

उसमें हम पर्सनल प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स की है वो भी अटैच हो सकती है अगर उस लॉस को बिजनेस लॉस को मिट आउट नहीं कर पाते पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस एसेट फाइन व्ट इज म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस वट इज म्यूचुअल एजेंसी

इसके अलावा क्या हो सकता है कि देर कुड भी पॉसिबिलिटी कि देर कुड भी सम एक्टिव पार्टनर्स ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इस पर एक्टिव पार्टनर बन जाएं और बाकी जो है उसके अंदर जो है स्लीपिंग पार्टनर्स बन जाते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग बिंग दम सेल्फ डायरेक्टली वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने आप को उसके अंदर वो उनके जो डिसीजंस होंगे वो एक्टिव पार्टनर्स लेंगे और जो उसका आउटपुट आएगा रिजल्ट आएगा वो सब लोग उसको बेयर करेंगे राइट सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो दस एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स ये अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि दोनों अब जितने पार्टनर्स हैं वो क्या है अपने आप के लिए बोथ आर एन एजेंट दोनों एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं मीन्स दे आर वर्किंग फॉर डेफिनेटली दे आर प्रिंसिपल मीन्स दे आर अथॉरिटी एक अथॉरिटी है लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल दे आर अकाउंटेबल टू द अदर पार्टनर्स तो हर पार्टनर जो है अपने आप में एक क्या है ओनरशिप उसके पास है उसके पास उसके खुद की एक अपनी जो है पोजिशन है बट ही इज आंसरेबल ही इज अकाउंटेबल टू द अदर पार्टनर्स सो ही विल बी एक्टिंग एज एन एजेंट टू द अदर पार्टनर्स एंड ही हिमसेल्फ इज अ प्रिंसिपल वो अपने आप के लिए प्रिंसिपल है बिकॉज ही इज इन अथॉरिटि पोजिशन बट एज ही वॉट एवर द एक्टिव ही डज फॉर द बिजनेस हैज टू बी डिफाइंड हैज टू बी गिवन यू कैन काइंड ऑफ यू कैन से Um, clarification or accountability because it is going to impact other partners also. So the, it's a mutual agency, right? Next is unlimited liability. The liabilities of all the partners of a firm are unlimited like the sole proprietorship. As I've told you that the liability of the partners are unlimited. Unlimited means their personal property can be attached in case the business is going to be in loss or it's going to be dissolved. बिजनेस को डिजोल्व किया जाएगा बिजनेस लॉस में चला गया तो ऑटोमेटिकली वॉट वी हैव टू डू वी नीड टू डू वन थिंग दैट इज द लॉस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ वॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम देयर पर्सनल दैट इज प्रॉपर्टी उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लॉस को रिकवर किया जाएगा किस लॉस को बिजनेस के लॉस को रिकवर किया जाएगा क्योंकि बिजनेस का लॉस और आपका बिजनेस और आपका पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर्स का दे आर नॉट दैट इज़ दे आर अटैच बेसिकली देर नॉट डिफरेंट लाइक इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो काम जो शेयल्डर्स होते हैं उनका जो आ, जो आ, कहते हैं इन्वेस्टमेंट है इन द शेयर्स इट इज़ लिमिटेड टू दैट ओनली लॉस होगा तो उतना ही लॉस होगा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी बट इन सोल प्रॉपर्टीशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस डेफिनेटली जो बिजनेस में लॉस होगा उस लॉस की अगर लॉस वो बिजनेस से पूरा नहीं होता है तो उसको उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा

लिगेसी टू समबड़ी एल्स राइट टू द ऑफ द फॉर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स वो अपने अदर पार्टनर्स के बिना पूछे उनसे बिना एक म्यूचुअल कंसेंट के ही कैन नॉट गिव इज लिगेसी ही कैन नॉट गिव इज यू कैन से द राइट्स बेसिकली टू समी एल्स कि वो अपने बेटे को दे दे या अपनी वाइफ को दे दे दैट हैज टू बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स और इट शुड बी स्टेटेड इन द एग्रीमेंट या तो एग्रीमेंट में पहले से ही स्टेटेड हो कि अगर मैं मर जाऊँगा तो उसके मेरे जो नॉमनी है मेरी वाइफ होगी शी कैन बी अ पार्टनर शी कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस और माई सन कैन ऑफ दिस मस एज इज देयर सो ही इज नॉट अ माइनर ही इज अ मेजर नाव तो नाव इन दैट केस ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट तो वो मेरा लड़का भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है अगर मेरी डेथ हो जाती है तो या मैं रिटायर करता हूं तो मेरी वाइफ इसके अंदर या मेरे लड़का इसके अंदर पार्टनर्स लिया जाएगा तो ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले से डिफाइंड है तो बहुत अच्छी बात है अगर डिफाइंड नहीं है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ को म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स से एक एग्रीड उनके एग्रीमेंट के हिसाब से उनको ये

Let's start with that. That is essential. What are the essentials of good partnership? The first is the mutual trust and confidence. So, this is one of the most and very very prime, you can say the essentials of good partnership. If you don't have the trust, if the partners does not have the trust, confidence if they if they are not collaborating with each other, they are not coordinating with each other, then definitely it could not be a partnership for a long term.

दे शुड गो बियॉन्ड अ लिमिट टू कोऑपरेट विद ईच अदर देड हेल्प ईच अदर एंड द गुडविल अमॉन्ग दार्टनर्स डेफिनेटली उनका आपस का जो गुडविल है दैट शुड बिकम दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर जो गुडविल जो आएगा फॉर्म का या उनका वह कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए दैट शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड एज सच एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू अदर को पार्टनर्स डेफिनेट जस्ट का मतलब है दे मस्ट जस्टिफाई दे आर अकाउंटेबल दे आर रिस्पॉन्सिबल

कोलेबरेट करना पड़ेगा जिससे पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत चलती रहे ऑनेस्टी इन डीलिंग डेफिनेटली एज वी से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सो इन दिस ऑल्सो बिन सेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नाइन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हैंस पार्टनर्स शुड बी शुड कंडक्ट बिजनेस विद फेथफुलनेस towards each other and avoid cheating see this is a, one of the most you can say of the most you can see the old movies if you see the partners have the dispute because of what they are not having the that, that mutual respect with each other or they have the different ideologies उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट है उनके अपने एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है सम पर्सन वन पर्सन इज़ वेरी ग्रीडी इन दैट एंड नी वॉन्ट टू अर्न द मनी बाई मेकिंग द शॉर्ट ऑल काइंड ऑफ शॉर्टकट्स ऑल इथिकल एंड द लीगल आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इज नॉट बीन टेकन केयर ऑफ तो ऐसे ऐसे पार्टनरशिप नहीं चलता तो पार्टनरशिप अगर चलानी है तो उसके लिए इट्स द बेस्ट थिंग इज दैट दे हैव टू बी ऑनेस्ट टू ईच अदर दे मस्ट बी ऑनेस्ट टू देम सेल्फ पार्टनर्स को अपने आप में पहले और फिर अपने पार्टनर्स के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा एंड दे हैव टू डेवलप दिस थिंग एज एन एडवांटेज दे शुड वर्क इन अ कॉम्प्लीमेंट्री आस्पेक्ट एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए दे शुड नॉट बी दे शुड बी वर्किंग लाइक एन एसेट टू इच अदर एक दूसरे के लिए एसेट होने चाहिए ना कि एक दूसरे के लिए लाइबिलिटीज तो दैट हैज टू भी टेकन केयर इन दिस वेन वी टॉक अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ गुड पार्टनरशिप नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड डेफिनेटली डीड इज मेंटेन मेन इज मेड फॉर वॉट the partnership deed is a mutual written agreement among the partners regarding the various uh, you can see the process of the business activity how they are going to share the profit what kind of uh, what kind of activities they are going to do in the business how they are going to do the uh, things so these all things are going to be written down in a proper manner in the partnership deed so that deed has to be honored right that deed should be taken as what that should be taken as the constitution of the ऑर्गेनाइजेशन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के uh, का इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिकॉज इफ समबडी इज गोइंग टू एवरी नाउ एंड देन इफ पार्टनर ब्रेक्स अवे द रूल्स दे डोंट फॉलो द डीट्स देन अल्टीमेटली द पार्टनरशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा वो आपका डिस्प्यूट क्रिएट होगा क्योस होगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी ऑल ओवर राइट नाउ लेट्स सी फॉर द Fourth point is true and fair account. See, it's very, very important to even to for doing a legal business, we need to have our accounts. But in this, the true and fair accounts means what like any other business, it is important for the partnership firm to maintain proper, accurate, and precise book of accounts. See, financial accounts that is, accounts if you are maintaining appropriately, then definitely that.

तो ये अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी जब आपके पास वो चीज फेयर होगी आपके पास जस्ट होगी सो नीड टू हैव द प्रॉपर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बुक ऑफ अकाउंट सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी शुड डिपेंड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन देखिए बिजनेस की एक फाइनेंशियल हेल्थ होती है आई एम यूजिंग दिस वर्ड व वेरी गुड वर्ड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस दो तरीके से पता चल सकती है आपके एक है फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी मीनस फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब है हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कंपनी की तो बैलेंस शीट में क्या एसेट्स हमारे हैं बिजनेस के क्या लाइबिलिटीज़ हमारी हैं बिजनेस की वो हमें पता चलता है दैट इज़ अ फाइनेंशियल पोजिशन एंड दूसरा हमारा आ जाता है दैट इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमें पता चलती है हमारे इनकम से वॉट काइंड ऑफ इनकम वी आर जनरेटिंग इन द ड्यू कोर्स ऑफ आवर बिजनेस हमने इस साल बिजनेस किया तो इस साल बिजनेस करने में हमने क्या अर्निंग की है क्या इनकम की है क्या प्रॉफिट जनरेट किया है ये हमारा परफॉर्मेंस बताता है इट इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर ऑफ द स्टूडेंट कि स्टूडेंट ने पूरे साल में एक सेशन के अंदर क्या मार्क्स जनरेट किए उस मार्क्स से हम परफॉर्मेंस बताते हैं कि बच्चे का ये परफॉर्मेंस रहा है ही हैज़ डन एवरेज ही हैज डन गुड ही हैज डन एक्सिलेंट फैबलस फंटैबल इट डिपेंड्स ऑन द what it depends on the performance or the report card so now the financial statement what has been made by the company that has to be what that has to be the true and fair because it gives you the what it gives you the rating of performance it gives of your income it gives you the rating of your business position to the various agencies and to the partners also so it should be true and fair next is fifth point rendering true account and full information rendering the true account and full information see this is very important the company should not do the uh, window dressing of accounts they should not do the window dressing of account because an ideal partnership says that is one where every partner renders true and proper account and go give full information of all things affecting the firm to his co partner तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम चीज अकाउंट्स uh, में शो कर रहे हैं द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल आपने अलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा द फुल डिस्लोजर प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड गिव द फुल इंफॉर्मेशन वेदर इट्स गोइंग टू बी द पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव डिपेंड्स बट यू नीड टू गिव इट इन द सेम मैनर इट शुड नॉट बी मैनुपलेटेड इट शुड नॉट बी विंडो ड्रेस्ड इट शुड बी गिवन इन अ प्रॉपर मैनर सज दैट वी कैन एक्चुअली एक्सेस आवर फाइनेंशियल पोजिशन हमें अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चले वी शुड नॉट हैव अ काइंड ऑफ मिथ इन आवर माइंड कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है बिकॉज वी हैव शोन समथिंग मैनुपुलेटेड इन आवर अकाउंट्स देन वी आर शोइंग टू अदर एजेंसी ऑल्सो सो वॉट वी थिंक दैट वी आर डूइंग वेरी गुड दैट इज नॉट इन अ गुड फाइनेंशियल हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस it is not at all good and it is unethical practice also is as far as business and accounts are concerning now let's start with the partnership deed and agreement let's just see this topic what is partnership deed and what is uh, our agreement first first let's start with the meaning of partnership deed a written document containing the terms of agreement between the partners pertaining to the rights and the duties of the partner

इट मे be रिटर्न और ओरल बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसे रिटर्न ही लिखा जाए तो बेटर रहेगा ओरल फॉर्म में कोई भी चीज अगर की जाती है एग्रीमेंट किया जाएगा तो एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट नहीं है इट डिपेंड्स अगेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर फाइन बट देर कुड बी सम डिस्प्यूट अमॉग पार्टनर्स बिकॉज ऑफ अ रीजन बिकॉज वॉट कमिटमेंट वी हैव दे हैव मेड फिफ्टीन ईयर्स अगो दे आर नॉट रिमेबरिंग दट पंद्रह साल पहले क्या हुआ था दस साल पहले क्या हुआ था उन्होंने क्या कमिटमेंट्स किए थे एक दूसरे से क्या रोल्स uh, उन्होंने लिए थे अपने बिजनेस में काम करने के लिए तो वो अगर ओरल है तो उसका जो लीगल uh, प्रूफ है आपको देना मुश्किल हो जाएगा बट इफ इट इस रिटर्न फॉर्म डेफिनेटली देन वी कैन सी दोज एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व आवर डिस्प्यूट्स इफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अकर्स आल्सो इन बिटवीन इट मे बी रिटर्न और ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटर्न अनसर्टेनिटी है तो उसको हम क्या हमें क्या करना चाहिए वी शुड डेफिनेटली राइट डाउन एंड चॉक डाउन प्रॉपरलीट एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड देखिए रिटर्न फॉर्मेट नहीं आपने बना लिया और घर में रफ कॉपी में लिख लिया नो इट शुड बी मेड इन अटैपेपर इट शुड बी रजिस्टर्ड विदॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी स वेयर वी कैन एक्चुअली सी टू इट Legally, at the time when some dispute arises, in the long run, so it generally contains the detail about all the aspect affecting the relationship between the partners. See, the most important word is what are the aspects. It it is having the circumference, the circumference under which all kind of aspects are being taken care that which are going to affect the relationship. ये इनके पार्टनर्स के जो आपस के रिलेशनशिप है जो चीज उनको खराब कर सकती है जो उनको इम्पैक्ट कर सकती है उस पर असर दिखा सकती है वो सारे आस्पेक्ट इसके अंदर कवर करने की कोशिश की जाती है सो द बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द बिजनेस जिसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस भी हम डिफाइन करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बिजनेस में वो बिल्कुल क्लियर होगा दे किस फॉर्म में करेंगे कैश फॉर्म में करेंगे काइंड फॉर्म में करेंगे एसेट फॉर्म में करेंगे किस तरह से करेंगे वो इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर बाई ईच पार्टनर रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट जितना किया जा रहा है उसके हिसाब से रेशियो प्रपोर्शन किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज़ इन्वेस्टिंग फाइव लाख रुपीज़ मिस्टर बी इज इन्वेस्टिंग थ्री लाख रुपीज़ तो क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइव टू थ्री होगा अगर ये डिफाइंड नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो किसी का पाँच लाख जमा किया किसने लगाया किसी तीन लाख लगाया उसके बावजूद भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा बाई डिफॉल्ट इफ इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द डीड अगर डीड में डिफाइन नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड में कि इनका प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा तो डेफिनेटली इट विल बी वॉट इट विल बी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ इट इज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सो इट हैज बी रिटर्न डाउन वॉट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट्स सी द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड The, uh, I'm just reading out these contents, and I, you have done in the 11th standard also. So just see through this that how we are going to do this. The uh, first is the name and address of the firm. Definitely, what is the name of the? You have to identify the business with a name. The first you have to keep a name, and you have to give the officially an address of the firm and its main business. So let's start with the content of partnership deed first. The first point is the name and address of the firm and its business. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली दैट एज वी हैव द नेम सच दैट द पीपल कैन आइडेंटिफाई आवर फैमिली आवर फ्रेंड आवर स्कूल कैन आइडेंटिफाई अस हमें वो आइडेंटिफाई कर सकें हमें पहचान सकें हमारा एक नाम है एक सरनेम है सेम हमें अपने बिजनेस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू गिव अनिक नेम उसको एक यूनिक नेम देना पड़ेगा एंड फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग आवर बिजनेस सी नीड टू गिव द डिटेल्स डिटेल एड्रेस ऑफ द बिजनेस वेयर योर कॉरपोरेट ऑफिस इज स्टार्टिंग और यू कैन से द स्टार्टअप इज टेकिंग प्लेस तो जहां से आपका बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है वहां के कॉर्पोरेट ऑफिस का आपको एड्रेस देना पड़ेगा दैट हैज टू बी मैंशन क्लियरली मैंशन इन द पार्टनरशिप डीट सेकेंड पॉइंट इज द नेम्स एड्रेसिज एंड द ऑकुपेशन ऑफ द पार्टनर्स शुड बी वेरी क्लियरली मैं नेम ऑफ द पार्टनर्स उनका ऑक्यूपेशन क्या रहा है उनका घर का पर्सनल एड्रेस क्या है दैट हैज बी मैंशन इन द पार्टनरशिप डीड बिकॉज इन दिस केस ऑल्सो द पार्टनर शुड नॉट डिफॉल्ट मेक डिफॉल्ट टू ईच अदर दे शुड नॉट चीट ऑन ईच अदर देयर फॉर द थिंग्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग देयर एड्रेस प्रूफ देयर आइडेंटिटी प्रूफ एंड अदर थिंग्स शुड बी सबमिटेड वाइल मेकिंग अ पार्टनरशिप डीड और मेकिंग एन एग्रीमेंट नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल थर्ड पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी बोड्यूस बाय ईच पार्टनर व्हाट द इन्वेस्टमेंट दे आर गोइंग टू डू इन विच फॉर्म दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस किस फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे या वो किस तरीके से बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये बहुत क्लियरली उनको स्टेट करना पड़ेगा ये जरूरी नहीं कि हर आदमी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा There is, there is no uh, uh, important claw in this. Ki agar, um, somebody Mr. X is investing in the business 5 lakh rupees, then other person also has to invest in the 5 lakh rupees. No, there could be an understanding. Mr. X is investing 5 lakh rupees. Mr. Y is a partner who is investing 3 lakh rupees. Mr. Z is a partner who is not investing any money, but he is investing his time, intellect and his intellectual property in the business. It depends on the mutual agreement, right? ना फोर्थ पॉइंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हम टेक्निकली uh, आगे uh, जो अपने क्वेश्चनस होंगे हम इसी पर बेस करेंगे कि पार्टनरशिप में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है क्या उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर नहीं मेंशन होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को इनिशियली नहीं दिया जाएगा ये बाय डिफॉल्ट है लेकिन अगर मेंशन किया जाएगा एट परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट डिपेंडिंग व्हाट दे हैव एग्रीड फॉर सो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको इनिशियल ईयर्स में दिया जाएगा बिकॉज इनिशियल ईयर्स में कंपनी प्रॉफिट इतना अर्न नहीं कर पाती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको एक दिया जा सकता है तो बट दैट हैज टू बी मैंशन देन लोन पे इट इज नॉट बाई डिफॉल्ट इट हैज टू बी गिवन लोन पे इट इज मस्ट अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो इट इज मस्ट दैट ही शुड बी गिवन आ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसके ऊपर भी एक डिफाइंड है आगे हम पढ़ेंगे तो लेकिन उस पर वो बाई ऐसा ऑप्शनल नहीं है इट इज नॉट इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल एस्पेक्ट ऑफ दैट इज डीड इट हैज टू बी गिवन देन ड्राइंग्स फॉर एग्जाम्पल पर्सनल रीजन से कोई बिजनेस में से अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है एनी पार्ट नैक्स इज विड्राइंग फॉर इज पर्सनल रीजन तो आप यह एसेट विड्रॉ कर रहा है तो क्या ये अलाउड है चलिए अलाउड भी है तो कितना एक्सटेंड तक अलाउड है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एक्सटेंट अगर आपने बता दिया उसके बाद एक क्लॉरों ने रखा कि नहीं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगना चाहिए यानी कि पार्टनर शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड कि जब चाहे उन्होंने पैसा निकाल लिया अगर वो जब चाहे पैसा निकालते रहेंगे तो बिजनेस को का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैटर करेगा उनका जो आगे प्रोसेस है उस उसमें उनको दिक्कत आएगी सो वॉट दे शुड डू इज दैट दे शुड डिफाइन इट कि इफ समी विदड्रॉज द मनी फॉर द पर्सनल यूसेज फ्रॉम द बिजनेस दैन दिस विल बी द अमाउंट और लिमिट ऑफ दैट एंड दैट टू विद द rate of interest the defined rate of interest is they have to give for this period this way they can restrict the unnecessary uh, you can say the money taken out from the business for the personal usage next is the profit sharing ratio of the partners this is very very cute and very very important point that this will be taken care, care of that what will be the profit sharing ratio of the partners by default it is equal इरेस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए एक्स वाई जेड पार्टनर है किसी ने दस लाख लगाया किसी ने आठ लाख लगाया किसी ने पाँच लाख लगाया अगर मैंशन नहीं है उसके अंदर कि क्या रेशियो होगा तो इक्वल रेशियो माना जाएगा राइट सो दैट हैज टू बी बाई डिफ़ॉल्ट टू टू नीडेड टू बी दैट इज फिक्सड इन द प्रोफिट दैट इज पार्टनरशिप डीड नेक्स्ट सिक्स पॉइंट डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस सिर्फ डेट ऑफ कमेंसमेंट मींस कमेंसमेंट मीन्स वैन यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस किस डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया दैट हैज टू बी मैं एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस कभी कभी क्या होता है अगर हमने कोई पार्टनरशिप एक किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कर रखी है या किसी लिमिटेड वेंचर के लिए कर रखी है तो उसमें उसका ड्यूरेशन यानी कि डेडलाइन बताना पड़ता है कि वट विल बी द लास्ट डे और वट विल बी दास्ट टाइम वेन दिस बिजनेस विल बी ओवर बिजनेस कब हमारा खत्म हो जाएगा तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली डेट ऑफ कमेंसमेंट विल बी वॉट टेकन केयर ऑफ दैट तो उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट हमें यानी किस डेट से बिजनेस स्टार्ट किया वो हम इसमें बताएंगे सेवन पॉइंट है द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर फॉर ड्राॅइंग एंड द टाइमिंग फॉर सच ड्राॅइंग्स अमाउंट टू बी अलाउड ड्राॅइंग्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ड्राॅइंग्स का एक लिमिट होना चाहिए एनी पार्टनर कैन नॉट विदड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस कितना भी पैसा निकाल ले बिजनेस से कितना भी एसेट निकाल ले बिजनेस से फॉर इस पर्सनल यूसेज इट इज़ नॉट अलाउड इट हैज टू बी मैंशन उसका एक लिमिटेशन है उसकी एक एक्सटेंट है उसका एक लिमिट हमें बनाना पड़ेगा एंड द टाइमिंग फॉर ड्राॅइंग उसके लिए भी टाइमिंग की जरूरत है कि कितने पीरियड के लिए वो ड्राॅइंग कर सकता है इससे ज़्यादा वो ड्रॉइंग नहीं कर सकता या इसको वापस करना पड़ेगा ही हैज रिटर्न बैक दैट्स दोज फंड्स इन द बैक टू द बिजनेस टाइम अदरवाइज दिस विल गोइंग टू इंपैक्ट द होल बिजनेस इससे पूरे बिजनेस को इंपैक्ट पड़ेगा आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उनके डायल्यूट हो जाएंगे और अल्टीमेटली रन इन टू लॉस तो दैट कुड भी पॉसिबिलिटी सो ड्राइंग वॉच डेट वॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड हाउ मस्ट ड्राइंग टू बी मेड एट वॉट टाइम लिमिटेशन दिस हैज बी वेरी क्लियरली मैं डीड नेक्स्ट पॉइंट इज द मैथड बाय विच गुड विल इज टू बी वैल्यूड एट दसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यूड इन ज्वाइनिंग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्ट टर्म देखिये मेथड बाय विच गुडविलर आर देर आर मेनी मेथड देर आर थ्री फोर मेथड्स टू गुडविल ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्म सो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा मेथड ले रहे हैं दैट हैज फिक्स इन द स्टार्टिंग इट सेल्फ Because that is uh, that is that should not change every now and then. It should not change with the with the very frequently. It should be fixed once and should not change very frequently. You can change it, but not in a very in a one or two span. You are changing twice and thrice. No, it should be fixed. The goodwill valuation is important because it is an intangible asset of the business. It's a very important intangible asset of the business. When the business is to be sold off, then apart from the fixed assets, there are uh, other uh, assets, cash or other assets.

लाइबिलिटी का रिवैल्यू करना क्यों क्योंकि जब आपने 10 साल बाद किसी को एडमिट नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं या कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसको किस तरह से उसका शेयर दिया जाएगा या किस तरह से नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा या किसी डेथ हो जाती है पार्टनर की तो उसके फैमिली को उसका प्रॉपर्टी का उसको, उसको उसमें से शेयर कैसे दिया जाएगा दैट ऑल टू बी डिस्कस इन ऑल दैट इज़ वैन वी मेक द पार्टनरशिप डीड ये सब चीज़ हमें डिस्क्राइब पहले से काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन करना चाहिए जिससे डिस्प्यूट्स हमारे पार्टनरशिप में ना के बराबर हो या ना हो Next point, ninth point is the right, the duties and the liabilities of each partner. As uh, see, uh, we cannot enjoy only the fruits of the business. There need to be a, a proposition where we need to invest our time. हमारे राइट्स क्या है हमारे ड्यूटीज़ क्या है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एंड होम वी आर अकाउंटेबल वी ऑल थिंग्स शुड बी मैंशन अलॉन्ग विद द लाइबिलिटीज़ कि हमारी अपनी पर्सनल लाइबिलिटी भी उसमें अटैच हो जाती है अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्री डिफाइंड मैनर में डीट के अंदर मैंशन होनी चाहिए नेक्स्ट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ

रिटायरमेंट रिटायरमेंट आई वॉन्ट टू सेटल द अकाउंट सो इन द दट लॉजिस्टिक्स शुड बी वेरी क्लियर तो वट काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स शुड बी मेड वट प्रोसीजर शुड बी मेड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड द डेथ ऑफ अ पार्टनर दैट हैज़ टू बी क्लियरली मैं इन द डीट नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म हमारा अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली बाई डिफॉल्ट जो चलता है वो है फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है लेकिन

क्या प्रोसेस रहेगा अगर आपको डिस्प्यूट राइज हो जाता है सी वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द हाउ वी आर गोइंग टू एकोमोडेट आवर सेल्फ विद ईच अदर हाउ वी आर गोइंग टू कोलाबरेट विद ईच अदर एंड डेफिनेटली इसमें बिहेवियरल स्किल्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल है सो so जब बिहेवियरल स्किल्स का इंपॉर्टेंट रोल है तो उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में हम एक दूसरे को लाइक्स डिसलाइक्स भी कर सकते हैं कोई बात मेरी आपको अच्छी लगेगी आपको मेरी बात नहीं भी अच्छी लगेगी तो ये चीज़ें जो है एक और एक एक ह्यूमन फैक्टर के अंदर आता है एंड दिस इज़ अनप्रोडिक्टेबल नेचर आज हम बहुत से फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन डज नॉट मीन दैट कि आफ्टर टेन ईयर्स ऑल्सो वी कुड बी ऑन द सेम स्केल हो सकते हैं है बेटर भी हो सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेटर ही हो तो देर कुड भी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट उसको समझते हुए जानते हुए उसको कैसे डिजोल्व करना है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये पहले से ही हम क्या करेंगे उसका एक प्रोसेस डिजाइन करके रखेंगे बिकॉज दैट शुड नॉट क्रिएट अ that is cause that the time of that is dispute when the things go here and there in the business next is

दैन द प्रोसीजर फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म फर्म को अगर डिजोल्व करना है यानी मान लीजिए हमारा बिजनेस अब लॉस में जा रहा है किसी रीजन से एंड दिस इज आउट डेटेड बिजनेस नाउ एंड इन फ्यूचर देन हाउ वी आर गोइन टू डिजोल्व अ फर्म हम अपने पार्टनरशिप को डिजोल्व कैसे करेंगे ये एक अलग प्रोसेस है लेकिन अपने फर्म को डिजोल्व कैसे करेंगे ये भी एक पूरा प्रोसेस को हमें डिफाइन करना पड़ेगा हाउ वी आर गोइंग टू सेल आवर एसेट हम अपने एसेट्स को कैसे बेचेंगे हम अपने लाइबिलिटीज़ को कैसे चुकाएंगे ये सारी चीज़ें जो है हमें पहले से ही डिफाइन करनी पड़ेगी इन द पार्टनरशिप डीड सो प्रोसीजर फॉर दैट डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म हैज़ टू बी प्री डिफाइंड इन द डीड देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर मैंने आपको बताया कि अगर हमने किसी वेंचर के लिए काम कर रहे हैं एक पार्टनर हमने ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है कि हम इस ड्यूरेशन में काम करेंगे और इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए करेंगे देखिए दो चीज़ आती है एक टाइम आता है और एक एक्टिविटी आती है या तो टाइम पीरियड के लिए हमने पांच साल के लिए पार्टनरशिप कर ली तो दैट इज ऑल्सो अ दैट इज़ टू बी डिफाइंड कि पाँच साल मतलब कब हमारा बिजनेस जो वेंचर है पार्टनरिंग है एंड हो जाएगा या हमने किसी ऑब्जेक्टिव लिए किया कि हम इस ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तब हम इसको अपने अपने आप को अलग कर लेंगे तो ये डिफाइन होना चाहिए ड्यूरेशन और द वट वट वी आर गोइंग टू टेक अप इन द यू कैन से द टास्क फॉर मेकिंग ए जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप तो कितने समय के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग पार्टनरशिप ये क्लैरिटी हमारे uh, इसमें होना चाहिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इसमें हम किस मेथड से अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा ये हमारा पहले भी आ चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा और प्री डिफाइन या डिटेलिंग हम करेंगे सो दिस इज द दीज आर सी दीज आर सम गाइडलाइंस वट आई हैव विद यू इज द गाइडलाइंस दीज आर गिविंग इन द प्रोमाइसिसज ये आपको एक प्रोमाइसिस दे रहे हैं दायरा दे रहे हैं जिसके अंदर आप अपने पार्टनरशिप डीट को डिफाइन करेंगे इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं

गवर्नमेंट अथॉरिटी में उसके पास एक को उसकी कॉपी दी जाएगी उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास रखी जाएगी उसकी कॉपी दी जाएगी उसको भी जो है एंड दैट पर्सन रजिस्टर विल ऑल्सो डू द स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर ऑन विस डेट द दिस डीड इज बिल रजिस्टर्ड विद दैट इज द अथॉरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट इट विल हेल्प लॉट टू रिजोल्व द इशूज इन द लॉन्ग रन आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टुड दिस थ्योरी एंड i'll be seeing you in the next uh, session i'm going to take up the next theory and we are going to take up the topics like interest and in drawing interest and in capital all the basic topic first and then we'll go for the advanced topic of that is partnership fundamental thank you all god bless